फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। यूपी के स्कूलों में फीस और वेतन दोनों ही आपदा में अवसर स्थापित करने के प्रयास में है। लॉकडाउन पीरियड में कोई रियायत घोषित न होने के बावजूद पेरेंट्स फीस न देने पर अड़े हैं, जबकि स्कूल तमाम शासनादेशों को ताक पर रखकर एक मुश्त फीस वसूलने का ऐसा कोई हथकंडा नहीं है जो अजमाना रहा हो। शासन प्रशासन और विभाग से बेखौफ कई स्कूलों में ऐसे हालात हैं जहां स्टूडेंट्स से पूरी फीस वसूली जा चुकी है, लेकिन टीचर्स व स्टाफ को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। बड़ी संख्या में स्टाफ व टीचर्स को लीव विदाउट पे पर जबरन घर बैठा दिया गया है। मेरठ का ऋषभ अकाडमी इसका उदाहरण मात्र है। ऐसे तमाम स्कूल व कॉलेज हैं जहां शिक्षक व स्टाफ नौकरी जाने के डर से अपनी जुबान नहीं हिला पा रहे हैं। ऋषभ अकादमी की टीचर्स ने आज पुलिस से मिलकर आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंध सचिव व उसका पुत्र अपने पक्ष में जबरन शपथ पत्र देने के लिए धमकी व दबाव बना रहा है। ऋषभ अकादमी के प्रबंध सचिव रंजीत जैन व पुत्र अभिनव जैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। दरअसल स्कूल के शिक्षिकाओं ने इन दोनों पर ही बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा वेतन देने अथवा वेतन रोकने जैसे आरोपों के अलावा टॉयलेट में कैमरे लगे होने जैसे बेहद संगीन आरोप इन शिक्षिकाओं ने लगाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि इस विद्यालय में हस्ताक्षर पूरी सैलरी पर कराए जाते हैं, जबकि भुगतान कम धनराशि पर किया जाता है। ये शिकायत पुलिस कप्तान से की गई, जिस पर उन्होंने जांच बैठाते हुए सदर थाने में सचिव व उसके पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दे दिए। आज शिक्षिकाओं ने सदर थाने व ASP इरज राजा से मुलाकात कर आरोप लगाए कि उन पर समझौते के लिए दबाव बना जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। उधर शिक्षिकाओं पर यह आरोप भी SO की तरफ से लगा दिए गए कि वे लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ऐसी ही कुछ शिक्षिकाओं को। मेरा नाम मनीषा अरोड़ा है, मैं ऋषभ अकेडमी में पढ़ाती हूँ और हम यहाँ पर राजनीति, ये सर बोल रहे हैं राजनीति, हमारे हम टीचर हैं, हमें नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? SO सर ये बोल रहे हैं। क्या क्या आरोप थे आपके स्कूल के ऊपर? सर मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। जो मिल रही थी, जितने पे साइन हो रहे हैं वो तो कभी हमें मतलब कम कम मिलती है, जितने हमारे हुए हैं उतने मिलती नहीं है हमें। और उसके बाद में टीचरों का आरोप था कि CCTV लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं। अब उन्होंने 6 महीने के अंदर क्या करा क्या नहीं करा, हटा दिया क्या करा, हमें नहीं पता, पहले लग रहे थे। आज किस लिए थाना आना हुआ? आने सुबह 5:30 बजे से सदर में रहने वाली हर टीचर को उन्होंने पर्सनली जाकर धमकी दी है। आप बताइए, हम छोटे बच्चे, हम क्या है? धमकी दे रहा है रंजीत जैन, कि ये कोई एफिडेविट लेकर आया कि उस पे एफिडेविट पे साइन कर दो और अपनी जो कंप्लेंट है वो वापस ले लो, नहीं तो हम जो है तुम्हें तुम्हारी तो नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बदनाम कर देंगे। आप बताओ, एक महिला के लिए सबसे पहले उसकी उनकी उस शिकायत पत्र को हम दोहराने आए थे कि आप हमारे सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाइए सर, ताकि क्या पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, मुकदमे के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक? अभी तक कोई नहीं हुई, कुछ भी नहीं। क्या कहा वो? ये कह रहे हैं, वो तो हमें ही कह रहे हैं कि हम राजनीति खेल रहे हैं। बताओ हम क्या के? हम टीचर हैं, हमें पढ़ाना आता है, हमें राजनीति नहीं खेलना आता, हमें शिक्षा देनी आती है, हमें ये राजनीति से हम बहुत दूर है। सब लोग इसलिए मिलने के लिए आए हुए हैं क्योंकि सब लोग काफ़ी साल से 22-25 साल से जॉब कर रहे हैं, 3 साल से बिल्कुल भी हम लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी के लिए मुद्दा उठाया गया था तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती वो हमारे से किसी कागज़ पे साइन करवा रहे हैं। इसी चीज़ के खिलाफ टीचर्स ने यहाँ पर जो है सब मतलब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। हमारे जो प्रबंधक है रंजीत जैन जी, उनके खिलाफ परसों एक FIR दर्ज करवाई थी, तो वो आज सुबह उसके लिए सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ गए और इतने धमकाने मुझे, मतलब पहले तो मुझे वो कहते हैं कि तुम अपनी वो FIR वापस ले लो, उसके लिए एक एफिडेविट वो मुझे दे रहे थे कि आप इस पर साइन कर दो। जब मैंने उस पर साइन करने से मना कर दिया तो वो मुझे धमकाने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल देने की धमकी दी कि तुम स्कूल में नहीं रहोगी, जो वो हमें वैसे भी पिछले 3 साल से लगातार देते रहते हैं। कुछ भी जरा सी बात होती है तो वो स्कूल से निकालने की धमकी तो सबसे पहले ही देते हैं, जो उन्होंने मुझे आज सुबह भी दी। फिर दूसरा, मुझे उन्होंने कहा कि तुम जैन समाज में पूरे मोहल्ले में कहीं भी आने जाने लायक नहीं रहोगी, तुम पूरी बदनाम हो जाओगी। मुझे पूरे जैन समाज में पूरे मोहल्ले में बदनाम करने की उन्होंने धमकी दी।
और आप लोगों ने जो कंप्लेंट लिखाई थी जिसमें आपने यौन शोषण के दबाव की बात कही, आपके सीसीटीवी कैमरे की बात कही, क्या था पूरा मामला? सर सीसीटीवी कैमरे तो जैसे सबको मालूम है, सब टीचर्स को मालूम है कि आज से पहले तो थे, अब कल उस दिन पुलिस को नहीं मिले तो हमें नहीं पता उन्होंने हटवा दिए क्या करा, लेकिन ये बात सच है। और सर हमारी तो डिमांड्स यही है कि एक तो सैलरी को लेकर ही है, और जो ये यौन शोषण वाला मामला मतलब मेरे को इस बात से नहीं है कुछ, लेकिन अदर टीचर्स, बहुत सी टीचर्स हमारे यहाँ ऐसी हैं जो परेशान होकर उनकी इन हरकतों से खुद ही जॉब छोड़कर चली गई हैं, और ये सबको बताया कि अब ये तो सर अब वही है इस टाइप की चीज़ें तो देखो एकदम खोल के कोई भी नहीं बताएगा। इस बारे में ASP इरज राजा ने यह जानकारी दी। ये कल जो महिलाओं ने तहरीर दी थी उसके आधार पर मुकदमा ऑलरेडी दर्ज किया जा चुका है थाना सदर बाजार थाने में, और उसके बाद उस पर जांच भी की जा रही है, लेकिन आज सुबह फिर से कुछ महिलाओं ने इस तरह की शिकायत की गई है कि मुकदमा लिखवाने के बाद धमकी दी गई है। तो जो महिलाओं की जो शिकायतें हैं हम उन पर पूरी गंभीरता से इस पर जाँच करते हैं कि अगर इस तरह की धमकी जैसी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ की गई है तो ये गंभीर मुद्दा है, और इसमें हम जो कॉलेज स्कूल के संचालक हैं इन लोग के विरुद्ध, अभिनव जैन और उनके पिताजी, हम इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी गतिविधि, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की है, महिलाओं को अगर धमकाने की कोशिश की है। मुकदमा 354 का गा और 506 में दर्ज है, और जिन धाराओं में दर्ज है जो महिलाओं ने तहरीर दी थी उसी तहरीर पर हमने मुकदमा दर्ज किया है उन्हीं धाराओं में, और उन्हीं धाराओं में जांच की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ होगी वो शेयर की जाएगी। सर महिला ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, उसको हम दिखवा लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर इस तरह से ले गए हैं, हालांकि DVR में एक चीज़ होती है कि DVR में बहुत लंबा पुराना डेटा हमको नहीं मिल सकता है, लेकिन हम इसको दिखवाते हैं और अभी हम इसको फौरन तत्काल इसकी जांच करवाते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ की है तो ये गंभीर है और इसमें उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करें। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।